हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आज आपके लिए द्विघात समीकरण का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें द्विघात से संबंधित समस्यात्मक क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नन्ना कवि प्रेजेंट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्स माइनस वन बटे एक्स इजकल टू 0। ये जो साइन है ये बटे का साइन है, एक्स माइनस 1/(x=0)। अब हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, एक्स माइनस 1/(x=0)। ये हमारा सवाल है, एक्स माइनस 1/(x=0)। अब हमें ये करना कैसे है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हम मानते हैं हम 1, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्ल कर देंगे। एक्स की हम एक्स में करेंगे, हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक के हम एक में करेंगे, बन जाएगा -k1 = 0 हमारा है, तो हमारा बन गया x²-k1/(x²-k1)0। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि माइनस का बराबर में जाकर प्लस हो जाता है, प्लस का बराबर में जाकर माइनस, और भाग का बराबर में जाकर गुणा, गुणा का भाग में जा गुणा गुणा का बराबर में जाकर भाग हो जाता है। तो हमारा ये माइनस था, बराबर में जाकर ये प्लस बन गया, ये माइनस का एक था, इधर आकर प्लस बन गया, तो x²+k1। और मैंने आपको बताया था हम स्क्वायर हटाते हैं और अनरूट लगाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर रह गया है अनरूट लगाना, तो आप लगा लीजिए। तो यह x√1। अब एक का अनरूट क्या होता है, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक। और जब मैंने आपको बताया था अनरूट में से कोई वैल्यू निकलती है तो वह प्लस माइनस दोनों पर आती है, तो x=(+-k1)। ये रहा, यहाँ पर आप अनरूट लगा लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, अनरूट लगाना भूल गए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, x+2 x-2=5। x+2 और x-2=5 है, हमें x की वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करनी है। x+2 x-2=5। अब हमें क्या करना है, हमें इस ये a²-b² वाला फॉर्मूला लगाना है। a²-b² का फॉर्मूला है a+b a-b, तो हमारा a²+b² का फॉर्मूला लग गया। a कितना है हमारा, x²-। बी कितना है हमारा, 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर बन गया हमारा 4, तो हमारे बन गया x²-k4 = कितना है हमारा, 5। ये रहा, मैंने आपको अभी बताया था माइनस का बराबर में जाकर प्लस बन जाता है, तो अब बराबर में हमारा +k4 है, +k5 है। अब ये माइनस के जो 4 है ये बराबर से इधर गया, तो +k4 बन गया, तो 5+k4 और x²+k9। 5 4 9 5 4 कितने हो गए 9। और मैंने आपको अभी बताया था हम स्क्वायर हटाते हैं, अनरूट लगाते हैं, x√9। और 9 का जो वर्गमूल होता है 3। और मैंने अभी आपको बताया था जब अनरूट में से कोई वैल्यू निकलती है तो वह प्लस माइनस दोनों पर आती है, तो हमारे आंसर आ गया +-k3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2 × x-9 का होल स्क्वायर बराबर 162। इसे भी हमें सॉल्व करना है, इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा ये सवाल है, 2 × x-9² = 162। अब हमें इसमें कैसे निकालनी है एक्स की वैल्यू, उसे हम समझेंगे। अब ये जो हमारा 2 है ये इधर गुणा में है, 2 जहाँ पर कुछ भी निशान नहीं तो हमारा वहाँ पर गुणा का निशान होता है, तो 2 गुणा
ये है x माइनस नौ, ये ऐसे है सवाल। तो जब जो ये दो गुणा में है ये बराबर में आकर, मैंने आपको बताया था गुणा का बराबर में आकर भाग बन जाता है, तो ये दो हमारा भाग में चला गया 162/2। ये जो निशान है ये अपॉन का निशान है, 162/2। 162 हमने 262 को भाग करा तो हमारा 81 आ गया। अब हमारा ये मैंने आपको x माइनस नौ का स्क्वायर तो चल ही रहा, होल स्क्वायर जो है मैंने आपको बताया था स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट लगाते हैं, तो हमने स्क्वायर हटाया, हटा दिया यहाँ से और हमने 81 पर अंडर रूट लग गया। तो हाँ 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 9 हमारा आ गया। अब मैंने आपको फिर ये ब्रैकेट खुल गया माइनस के 9 बराबर 9। अब x बराबर क्या हुआ हमारा, ये 9 तो है बराबर में, अब जो ये माइनस का है ये बराबर में जाकर माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस के 9 हो गया और हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमारा 18 सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3x/4 - 4/3x = 0। ये बटे के निशान है, जो ये ऐसे निशान है ये बटे के निशान है, क्योंकि बटे में हम लिख नहीं सकते ना, इसलिए तो मैंने आप निशान लगा दिया। तो ये हमारा सवाल ऐसे है 3x - 4/3x = 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। 3x/4 - 4x/3x = 0। हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीपल करनी है, क्रॉस मल्टीपल। तो हमने 3 की हमने 3 में गुणा करी तो ये बन गया हमारा, और x की x में गुणा हुई तो हमारा बन गया ये 9x2। 4 की हमने 4 में गुणा करी बन जाएगा हमारा माइनस के 16 है, इसकल टू कितना हमारा 0। अब हमारे ये है 9x2, अभी मैंने आपको बताया था माइनस का बराबर में जाकर प्लस बन जाता है, तो ये हमारे प्लस के 16 हो गया। अब x2 बराबर जो ये संख्या है हमारी 9 गुणा, जहाँ पर कुछ भी निशान नहीं होता मैंने बताया था वहाँ पर गुणा का निशान होता है, तो हमारा ये 9 जो है ये गुणा में है, बराबर में हमारा 16 है, तो ये जो गुणा में है ये इधर जाकर भाग में, बराबर में जाकर भाग में बदल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गुणा का बराबर में जाकर भाग में बदल जाता है, तो हमारा 9 16 के बटे में चला गया। अब ये रहा, और मैंने आपको बताया था हम स्क्वायर को हटाते हैं अंडर रूट लगाते हैं, तो हमने पूरे पर अंडर रूट लगा दिया 16/9 का वर्गमूल। 16 आपको पता है कि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल होता है 3, हमारा बन गया 4/3 प्लस माइनस की, जब अंडर रूट में से कोई वैल्यू निकलती है तो हमारी प्लस माइनस पर आती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3x/3x = 4/12 x/12 + 12x। तो ये हमें कैसे, ये हमारा क्वेश्चन है x/3 + 3x = 12x। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इतने को सॉल्व करना है फिर बाकी इतने को सॉल्व करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन है x/3 + 3x। अब हमें इसे पहले इतने को सॉल्व करना है, तो हमने x की x में गुणा करी और 3 की 3 में गुणा करी, तो बन गया हमारा x²+9/3x। अब पहले हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, वो है x/12 + 12x।
इसमें भी हम ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 12 बटे बारह में 12 की 12 में गुणा करिए 144 बटे में 12x। अभी हमारे इतने बन गए। अब क्या करना है हमें, इस तीन से इस वाले 12 को हमें डिवाइड करना है, तो ये हमारा 4 बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारा 1। तो ये सवाल ऐसे बन गया, बटे में 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 144 बटे में 4। अब क्या हमें इसकी क्रॉस मल्टीपल कर देनी है। इसके अपने 4 की जब इधर गुणा करिए तो बन गया 4x² प्लस के 9 चौक 36 बराबर एक्स एक के हम इसमें गुणा करेंगे तो ये बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया 4x² प्लस के 36 बराबर x² माइनस प्लस के 44। अब ये 4x², अब जो ये x² है ये प्लस का है, जिसका अगर कुछ नहीं समझ तो वहाँ पे प्लस होता है, तो इधर आकर ये बराबर से जब इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x² माइनस के एक्स प्लस के 36 था हमारा और बराबर में था 144। 144 इधर आएगा जब ये बन जाएगा माइनस के, तो 4 में से हम 3 एक एक्स घटाएं, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम एक मानते हैं, तो 4 में से 1 गया 3x² बचा हमारा, और 144 में जब हमने 36 घटाया तो हमारा कितना बचा 108। अब हमारी जो समीकरण बनी है वो बनी है 3x² माइनस के 108 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया था 3 अगर माइनस की है तो वह बराबर जाकर प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस के 108 है इधर जाकर प्लस के बन गया 3x² बराबर 108 प्लस के। अब क्या करना है, मैंने आपको ये जो 3x² लिखा है तो इनके बीच में ये गुणा का निशान है, तो जहाँ यह संख्या जो 3 है ये गुणा में है, यह भाग बराबर में जाकर भाग में बदल जाएगी, तो एक्स यहाँ पर क्या बचेगा x² बराबर 108 बटे 3। हमने 3 से 108 को हमें भाग कर देना है, हमारा आ जाएगा 36 और एक्स हमारा क्या बन गया x² बराबर 36 और एक्स बराबर हम स्क्वायर हटाते हैं अनरूट लगाते हैं, तो √36 एक्स बराबर √36 और 36 का वर्गमूल होता है हमारा 6, और जब हमारी कोई भी वैल्यू अनरूट में निकलती है तो वह प्लस माइनस दोनों पर आती है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा एक्स बराबर प्लस माइनस के 6, जो हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नेम नन्ना कभी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।